कन्नौज में शुक्रवार रात ये भीषण बस हादसा हो गया। यहाँ के जीटी रोड हाईवे पर डबल डेकर बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 20 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं 21 लोग झुलस गए हैं। कन्नौज में भीषण बस हादसा, डबल डेकर बस और ट्रक में भीषण टक्कर। ट्रक से टक्कर के बाद बस बनी आग का गोला। हादसे में करीब 21 लोगों की मौत की आशंका। बस हादसे में करीब 21 लोग झुलसे। ये साल का सबसे बड़ा और दर्दनाक हादसा है। हादसा ऐसा जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कन्नौज में भीषण बस हादसा हो गया। यहां डबल डेकर बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 21 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है, वहीं 21 लोग झुलस गए हैं। बस फरुखाबाद की थी, जो कन्नौज से जयपुर जा रही थी। इस बस में करीब 45 यात्री सवार थे। हादसे में घायल हुए लोगों को कन्नौज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 80 के समथिंग हमारी 70-80 के समथिंग। आप लोग बस में से कितने लोग करीब बच गए थे भैया? मतलब उतने टाइम हादसे में कि मतलब कोई यही नहीं पता कितने जो हमारे लोग निकले होंगे, ज्यादा नहीं निकल पाए होंगे हमारे हिसाब से। आपको बता दें कि R9 टीवी ने सबसे पहले इस हादसे की खबर दिखाई थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस हादसे का संज्ञान लेते हुए डीएम और एसपी को मौके पर जाने का निर्देश दिया। उन्होंने घायलों को तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा भी की। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा है और पीड़ित परिजनों के साथ साथ घायलों को भी वहां पर देखें। घायलों को हर संभव सहायता देने, उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। हादसे के बाद छिबरामऊ की एमएलए अर्चना पांडे और डीएम रविंद्र कुमार अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। डीएम ने बताया कि बस फरुखाबाद से जयपुर जा रही थी। गुरसहायगंज में इसमें 25 लोग चढ़े थे, जबकि छिबरामऊ में 17 लोग इसमें सवार हुए। वहीं 3 बस के स्टाफ मेंबर थे। जो लोग बाहर निकल के आ पाए सकुशल, उसमें से 21 लोग यहां सौसैया हॉस्पिटल में आए थे, जिसमें से 13 लोगों को मेडिकल कॉलेज तिरवा भी रेफर कर दिया गया है। और हमारी चिकित्सा अधिकारी से बात हुई है और उनका कहना है कि ये लोग सुरक्षित हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका समुचित इलाज चल रहा है। पूरा प्रशासन की तरफ से और हम सब लोग अलर्ट हैं, लगे हुए हैं। जो चोटिल हैं, घायल हैं, उनके पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था की जा रही है। जो बाकी और घटना की जांच कराते हुए जो संभव सरकार की तरफ से प्रयास होगा, वो सबके लिए सहायता किया जाएगा। हादसे के बाद कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने भी बस का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि 8 से 9 शव बस में हैं, लेकिन पक्के तौर पर अभी कहना मुश्किल है, इसलिए शवों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि छिबरामऊ के पास कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। 8-9 लोगों की डेड बॉडी बस में प्रतीत हो रही है, लेकिन कुछ शव इतने चकनाचूर हड्डियां हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। उनकी अस्थियों को कलेक्ट करने के बाद उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत ही ये स्पष्ट हो पाएगा, एक्जेक्ट संख्या हमको मिल पाएगी कि इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई। हादसे का शिकार हुई बस फरुखाबाद के विमल चतुर्वेदी ट्रांसपोर्ट की है। अब इसके ऑफिस में ताला बंद है और कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है और उन्हें कब सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी।